Hello, it's Dr. Bhatt here. Welcome to all my students and learners in chemistry. आज के वीडियो में मैं आपको अपने पहले के लेक्चर सॉल्यूशंस के तारतम्य में उसके कंटिन्यूएशन में कुछ और बातें बताना चाहता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गैशियस सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। अब आज आपको एक दूसरा टॉपिक या यूनिट जो कि विलयन या सॉल्यूशंस के चैप्टर से ही संबंधित है उसके बारे में बताना चाहता हूं। यह विषय है लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस का तात्पर्य यह है कि द्रव में विलयन किस प्रकार से बनता है और उसका ज्यादा से ज्यादा कुछ विस्तृत अध्ययन हमको इस विषय में करना है, इस टॉपिक में करना है। अब आप देखिए, जहां तक टॉपिक या विषय का सवाल है, ये है द्रवों से संबंधित है, द्रव का द्रव में विलयन। अच्छा, यह होगा क्योंकि ये द्रव से संबंधित है तो विलयन की प्रॉपर्टीज, जो सॉल्यूशंस बनेंगे उनके भी गुण द्रव से ही रिलेटेड होंगे, द्रव से ही संबंधित होंगे और इसमें हमको द्रव से संबंधित कुछ विशेषताओं का खास तौर से पुनः अध्ययन करना होगा। इट कॉल्स फॉर ए रिव्यू ऑफ कंसेप्चुअल लर्निंग ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। खासतौर से ये चार विषय हैं, ये चार टॉपिक्स हैं, जो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं जो कि द्रव से संबंधित हैं, वो विलयन में भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। और जैसा कि हमको मालूम है कि पदार्थ की तीन अवस्थाओं में एक अवस्था जो मध्यस्थ अवस्था है, इंटरमीडिएट स्टेट है, वो होता है लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड या द्रव सॉलिड, ठोस और गैस के बीच की अवस्था है और इसमें कुछ खास विशेषता होती है। विशेष रूप से अगर हम इनके मॉलिक्यूल्स या कणों पर ध्यान दें तो हमें इनकी अन्य विशेषताओं का बड़ी आसानी से अध्ययन करना संभव होगा। और चूंकि ये द्रव मध्यस्थ अवस्था है, इनके कणों के बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, कणों के बीच की दूरियां, जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, प्रायः मॉलिक्यूल्स, द्रव के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बीच उतने ज्यादा आकर्षित नहीं हैं जितने की ठोस में होते हैं और ना ही ये आकर्षण मॉलिक्यूल्स या अणुओं के बीच इतना कम है कि वो गैसीय अवस्था में प्राप्त हो सके। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस, आकर्षण की शक्ति,
जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल एक अणु और दूसरे अणु के बीच में होती है वो न तो बहुत ज्यादा है और न ही बहुत कम है, और लिहाजा इनके बीच की दूरियां भी, पार्टिकल्स के कणों के बीच की दूरियां भी, दूरी भी उतनी अधिक नहीं है, किंतु ठोस से ज्यादा है, गैस से कम है। ये खास तौर से ये दो विशेषताएं जो द्रव के अन्य गुणों को प्रभावित करती हैं। इसलिए क्योंकि ये सॉल्यूशन का टॉपिक का लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, द्रव द्रव का विलयन के बारे में हमको पढ़ना है, हमें इस लेक्चर को दो भाग में हमने डिवाइड किया है, बांटा है, एक तो ये और दो भागों में विभाजित करना अनिवार्य भी है। क्यों? क्योंकि ये द्रव के सॉल्यूशन से संबंधित है और द्रव के खास कुछ खास गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन पर हमें पहले ध्यान देना पड़ेगा, और इस लेक्चर में हम उसी के बारे में बात करेंगे। और इसीलिए हमने इसको, इस सॉल्यूशन के लेक्चर को नाम दिया है पार्ट 3A। इसके बाद शीघ्र ही हम दूसरा चैप्टर भी पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे पार्ट 3B। ए में, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में या इस लेक्चर में हम विशेष रूप से मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड, वेपराइजेशन एंड वेपर प्रेशर एंड इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट, ये चार हम विशेष रूप से पुनः सत्र का अध्ययन करेंगे। और जब हम ये चार अध्ययन कर लेंगे, इन गुणों को हम समझ लेंगे, तो हम आगे दूसरे सॉल्यूशन से संबंधित दूसरे गुणों को भी हम बड़ी आसानी से और सरलता से समझ सकेंगे। वो होगा राउल्ट्स लॉ एंड इंटर पार्टिकल्स इंटरैक्शन इन लिक्विड्स एंड देयर सॉल्यूशन। तो चलिए हम बात करते हैं पार्ट ए की, और पार्ट बी में जब इसका हमें ज्ञान हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, दोहरा लेंगे, पुनः हम इसको सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हमको आगे का अध्ययन सरल लगेगा। देखें, एक द्रव दूसरे द्रव में किस प्रकार से घुलता है, मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल, अविलेय द्रव और विलेय द्रव। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, होमोजीनियस हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। कुछ द्रव ऐसे हैं जो एक रूप होते ही नहीं, मिलते ही नहीं है। क्यों, क्या कारण है, इसका हमें अध्ययन करना। द्रव का एक विशेष गुण होता है वाष्पीकरण, जिसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं, और दूसरा गुण होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, और वेपराइजेशन का मतलब होता है वाष्पशीलता, उड़ने का गुण, भाप बनाने का गुण, गैस बनने का गुण, ये वेपराइजेशन कहा जाता है। अब क्योंकि गैस बनती है, वेपर्स बनती है, द्रव का गैस रूप में परिवर्तन होता है, इसलिए वो कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, दाब भी एक्सर्ट करता है, इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब। फिर द्रव का उबलना, ये अलग एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक गुण है, और उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित होता है बॉइलिंग पॉइंट, पतनांक हिंदी में बोलते हैं। और जैसा कि हमको मालूम है, अगर किसी भी द्रव को हम ठंडा करें तो एक खास तापक्रम पर वो ठोस रूप में बदल जाता है, और वो तापक्रम जिसमें वो ठोस में परिवर्तित होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो विशेष रूप से हमें इन चार पॉइंट्स पर इस लेक्चर में अभी बताना है, अभी पढ़ना है। अब देखें कि मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड क्या होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आइडिया दिया है कि लिक्विड्स एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं,
विलय हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इथेनॉल एंड वाटर, अल्कोहल और पानी बड़ी आसानी से घुल जाता है, गैसोलीन, पेट्रोल एक्सेट्रा। पेट्रोल के बारे में हमें मालूम है ये कई लिक्विड हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, गैसोलीन भी उसी का एक प्रकार है, और इस तरह से कई लिक्विड्स एक दूसरे में घुल जाते हैं। क्यों घुलते हैं, क्या कारण है, होमोजीनियस होते हैं, एक रूप हो जाते हैं, तो उसका कारण ये है कि जो इनकी रासायनिक संरचना, इनके अणुओं की रासायनिक संरचना, जिनके कणों की रासायनिक संरचना, जिन द्रवों के कणों की रासायनिक संरचना एक सी होती है, पोलर हम बोलते हैं, पोलर नेचर, ध्रुवीय प्रवृत्ति, तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन या एक सामान्य सॉल्यूशन बना देते हैं, घुल जाते हैं। इन लिक्विड्स को हम बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। मान लीजिए कोई लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड बी है, दोनों को हमने मिला दिया, और मिलाने के बाद हमें ये नहीं पता लगता कि लिक्विड ए कहाँ है और लिक्विड बी कहाँ है, एक रूप हो जाते हैं, होमोजीनियस हो जाते हैं, तो उसको, ऐसे लिक्विड्स को या द्रवों को हम बोलते हैं मिसिबल द्रव, विलेय द्रव, घुलनशील द्रव। और इसके विपरीत भी हमको मालूम, फॉर एग्जाम्पल वनस्पति तेल, सरसों का तेल, गरी या नारियल का तेल, और पानी या कोई भी वनस्पति तेल अगर हम पानी में मिलाएं तो हम क्या देखते हैं कि वो एक दूसरे में घुलते नहीं है, चाहे भी जितना मिला दें, चाहे भी जितना उसको हम शेक करें, मिलाएं, वो कभी नहीं घुलेंगे, बल्कि क्या होता है, एक थोड़ी देर में एक ऊपर की सतह बन जाती है कि एक लिक्विड लेयर होती है, ऊपर तैरती रहती है और दूसरा लिक्विड नीचे रहता है। ऊपर जो लिक्विड रहता है उसकी डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, जो नीचे रहता है उसकी डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी अपेक्षित घनत्व कम होता है, ज्यादा होता है, तो ये नीचे होती। तो ये दो उदाहरण दिए, एक बहुत छोटा सा डायग्राम भी है, चित्र भी है, लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों अभिलेय हैं, इनको हम बोलते हैं इमिसिबल। अब चलिए एक और बात हम बताएं, लिक्विड्स का एक विशेष गुण ये होता है वोलेटाइलिटी ऑफ लिक्विड्स। वोलेटाइलिटी से मतलब होता है वाष्पशीलता, और हम देखते भी हैं कोई भी द्रव अगर कहीं गिर जाए, कमरे में गिर जाए, फर्श पर गिर जाए या टेबल पर गिर जाए, तो वो थोड़ी देर में कम होने लगता है और सूख जाता है, कुछ समय के बाद वो सूख जाता है। क्यों, व्हाट हैपेंस, होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, ये जो द्रव है वो वेपराइज होने लगता है, वाष्प बननी लगती है उसको, तो उसकी एक प्रवृत्ति होती है, किसी भी द्रव में वेपराइज या वाष्पीकरण की प्रवृत्ति होती है, और ये वाष्पीकरण रूम टेम्परेचर पर, वातावरण के तापक्रम पर, कमरे के तापक्रम पर होता है, ये लिक्विड्स की एक विशेषता है। यद्यपि हमें मालूम है कि कुछ ठोस भी डायरेक्टली सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कैम्फर, कपूर या एमोनियम क्लोराइड, ये बड़ी आसानी से वाष्प में बदल जाते हैं डायरेक्ट, और ये वाष्पशीलता तापक्रम पर निर्भर करती है। लेकिन ध्यान रहे, उसके क्वथनांक से कम तापक्रम पर वाष्पशीलता है, और कमरे का तापक्रम अगर अधिक है, वातावरण का तापक्रम अधिक है, तो
वो आसानी से जल्दी एवोपरेट होंगे, जल्दी वेपराइज होंगे। ऑर्गेनिक लिक्विड्स प्रायः ऑर्गेनिक ड्रॉप जैसे अल्कोहल, गैसोलीन, बुटाइल एसीटेट, एसीटोन, डाइथाइल ईथर और तमाम एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, ये सब बड़ी आसानी से वेपराइज हो जाते हैं, बड़ी आसानी से गैस रूप में बदल जाते हैं और इनको हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। पानी भी वेपराइज होता है लेकिन उतनी जल्दी नहीं। कहने का मतलब ये है कि हर लिक्विड का अलग अलग वाष्पशीलता होती है और इस वाष्पशीलता को हम कैसे नापेंगे, वाष्प दाब के द्वारा, इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर। और पानी हमने वेपर प्रेशर नापा है, दो एग्जाम्पल हम आपको बता सकते हैं अभी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो कि प्रायः हर कमरे का तापमान होता है उसका वाष्प दाब, जो कि दाब है उसकी दाब की एक इकाई में बताना पड़ेगा, 0.03 एटमॉस्फेयर होता है, जबकि मेथनॉल, मिथाइल अल्कोहल या CH3OH मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब 0.36 एटमॉस्फेयर होता है। देखिए 0.03 और 0.36 में बहुत फर्क है, इससे पता लगता है कि उसी तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर वाटर है, जल है और अल्कोहल है, मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल जल्दी गैस में परिवर्तित होगा, उसकी भाप जल्दी बनेगी, उसकी गैस जल्दी बनेगी। और हम कहेंगे मिथेनॉल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर, मिथेनॉल जल से अधिक वाष्पशील है। तो ये वाष्पशीलता या वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है और इसी पर आधारित हमको विलयन के बारे में भी अध्ययन करना है। लेकिन वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड का हमने फायदा भी उठाया है, औद्योगिक रूप से इसका हमने उपयोग भी किया है, फॉर एग्जाम्पल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आश्वन हमें ध्यान है कि अगर जिसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक, वाष्पशीलता जिसकी कम होती है वो उतनी जल्दी ठंडा करने पर पानी में भी बदल जाता है, गैस में तो चेंज होगा लेकिन लिक्विड में भी चेंज हो जाए आसानी से। सो इस प्रक्रिया को हम पेट्रोलियम डिस्टिलेशन में उपयोग में लाए हैं और कई इस प्रकार के डिस्टिलेशन होते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस आर सेपरेट, कई लिक्विड का मिक्सचर है, हम फ्रैक्शनल आंशिक आसवन के द्वारा उसको बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं, अलग अलग फ्रैक्शंस को हम निकाल सकते हैं। तो नतीजा क्या हुआ, वेपराइजेशन वाष्पशीलता पर डिपेंड करता है, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन का मतलब हुआ वाष्पीकरण। और ये वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण अगर देखा जाए एक सरफेस फिनोमेनन है, सतह पर होने वाली भौतिक प्रक्रिया है, नो केमिस्ट, कोई रासायनिक प्रक्रिया इसमें नहीं है, भौतिक प्रक्रिया है द्रव का गैस में बदलना। लेकिन ये क्या है, कमरे के तापक्रम पर, वातावरण के तापक्रम पर होता है जो कि बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, क्वथनांक से कम होता है, और क्योंकि ये फेज ट्रांजिशन है तो हम इसका एक इक्विलिब्रिया भी बना सकते हैं, लिक्विड टर्निंग टू गैस। लेकिन इक्विलिब्रिया कब, जबकि हम उस गैस को बाहर न निकलने दें, क्लोज कंटेनर में अगर हम रख दें लिक्विड को, बंद बर्तन में, बंद बीकर में, तो एक इक्विलिब्रिया इस्टेब्लिश होगा, एक साम्यावस्था आएगी। साम्यावस्था कैसे आएगी, क्या होगा, अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। तो वेपराइजेशन कब होगा इस पर विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि ये द्रव के क्वथनांक से कम तापक्रम पर होगा। लेकिन वो तापक्रम अगर जिसका ज्यादा है तापक्रम, तो जल्दी वेपराइजेशन होगा, तापक्रम कम है तो उतनी जल्दी वाष्पीकरण नहीं होगा।
और दूसरी चीज ये है वेपराइजेशन जो टर्म होता है, जो ये हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वेपराइजेशन का, कब ये लागू करेंगे, कब होगा, जबकि एक सीमित स्थान में लिक्विड भरा हो, लिक्विड फैला हो, सरफेस फिनम द्रव हो। और वेपराइजेशन किस पर डिपेंड करते हैं, इन वेपराइजेशन की गति, वाष्पीकरण की गति धीमे होगा, तेज होगा, कितना तेज होगा, ऑल दिस फैक्टर्स उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गति। किस बात पर डिपेंड करेगी, सरफेस एरिया पर नहीं, कि कितना बड़ा उसका सरफेस है, कितना फैलाव है, इस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि टेम्परेचर, तापक्रम पर निर्भर करता है। वो मैंने आपको बताया भी है, कम तापक्रम रहेगा वेपराइजेशन धीमा होगा, वाष्पीकरण धीमा हो, ज्यादा तापक्रम रहेगा वाष्पीकरण जल्दी जल्दी हो। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, बट दिस टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी लेस देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये तापक्रम उस द्रव के क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट अगर क्वथनांक के बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है और द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है, तो उसके लिए कुछ अलग कंसिडरेशन, उसकी अलग बात है, वो हम एक दूसरे प्रक्रिया को हम बताएंगे कि वो दूसरे प्रक्रिया से हो। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गति सीधा समानुपाती है टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोर द टेम्परेचर, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ वेपराइजेशन। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि क्योंकि द्रव का गैस में परिवर्तित होता है वेपराइजेशन में, तो ये गैस कुछ प्रेशर के साथ द्रव से निकलती, कुछ दाब के साथ निकलती, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, यानी ऐसा दाब जो कि वेपर बना रही है, वेपर के कारण है, वाष्प के कारण है, उसको हम बोलते हैं वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। अब एक छोटा, तो वेपर प्रेशर है क्या, अगर इसको हम एक स्टेटमेंट कहें, एक सेंटेंस में अगर हम बताना चाहें, तो हम ये कहेंगे कि ये इट इज ए प्रेशर डेवलप्ड बाय वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन ए कन्फाइंड स्पेस इज टर्म्ड एज वेपर प्रेशर द लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। द्रव को अगर सीमित स्थान पर, बंद स्थान पर रख दिया जाए, तो जो वाष्प बनेगी और उससे जो प्रेशर या दाब पैदा होगा, दाब पता लगेगा, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब चूंकि प्रेशर है, दाब है, तो हमें तापक्रम तो बताना पड़ेगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इस तापक्रम पर ये वाष्प दाब है। यहाँ एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है या एक्सपेरिमेंट है, आप समझ लीजिए, चित्र के द्वारा मैंने दर्शाने बताने की कोशिश की है। मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, कोई बर्तन है, बीकर है, या प्रयोगशाला में कोई इस प्रकार का बर्तन है, कंटेनर है, तो उसमें हमने कोई लिक्विड ले लिया, कोई भी द्रव ले लिया, थोड़ा सा भर लिया, पूरा नहीं भरा, थोड़ा सा भरा हुआ, और ये कंटेनर हमने एक लिड या ढक्कन से टाइटली बंद कर दिया, बंद है, कैसे, सील्ड कंटेनर है, यानी ढीला ढाला नहीं, सील्ड कंटेनर है। तो क्या होगा, तो लिक्विड के कण, द्रव के कण, मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, उसका भी एक कारण, एक्चुअली वास्तव में ये होता है कि द्रव के कण या मॉलिक्यूल्स स्थिर नहीं है, वो द्रव में ही, स्पेस में ही, जिस बंद बर्तन में हमने लिया है उसी में ही चलते रहते हैं, टकराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और एक दूसरे से टकराते भी हैं, और इस कारण से
कुछ पार्टिकल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस पर आ जाते हैं, और जो पार्टिकल्स सरफेस पर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, उनमें नीचे के पार्टिकल्स, नीचे के कण या मॉलिक्यूल इनको धक्का देते हैं और एक प्रकार की गतिज ऊर्जा प्रत्येक कण में रहती। नीचे के मॉलिक्यूल जब धक्का देंगे तो नेचुरली क्या होगा, जो ऊपर जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल हैं, सतह पर जो मॉलिक्यूल हैं, वो भागने की कोशिश करें, सरफेस को छोड़ के बाहर निकलते हैं। ये यहाँ पर ये दर्शाया गया है। तो लेकिन वो द्रव के रूप में हम नहीं निकल सकते। जब तक वो द्रव के रूप में रहेंगे, वो तो द्रव के बल्क लिक्विड से या द्रव से मिले रहेंगे, लेकिन जब गैस के रूप में निकलेंगे, बाहर छोड़ेंगे उसको, तो वो गैस के रूप में जाएंगे। अब चूंकि बर्तन बंद है, ऊपर से सील्ड है, उनको निकलने की कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता। और क्या होता है, बर्तन से या बर्तन की दीवार से, कंटेनर की दीवार से टकरा करके वो ठंडे होते, उनकी गति कम होती है, उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और वो कंडेंस हो जाता है, उनकी द्रवीकरण हो जाता है। तो मॉलिक्यूल्स ऊपर जाके द्रवीकृत होते हैं और नीचे से कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, और दोनों का बाष्पशील होने का, बाष्प बनने का और कंडेंस होने का, द्रव रूप में माने बनने का, द्रवीकरण का, बाष्पीकरण और द्रवीकरण की गति जब तक अलग अलग होती रहेगी, तब तक तो ये चलता रहता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि वाष्पीकरण और द्रवीकरण की गति समान हो जाती है, और हमने पढ़ा भी है कि साम्यावस्था किसी भी उस स्थिति को दर्शाते हैं जब कोई दो विपरीत प्रतिक्रियाएं या क्रियाएं दोनों की गति समान हो जाती, तो थोड़ी ही देर में एक साम्यावस्था आ जाती। हम ये कहते हैं रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। वाष्पीकरण की गति और द्रवीकरण की गति बराबर हो जाती और तब एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, साम्यावस्था हो जाती। ये देखिए यहाँ पर हमने उसको पूरी तरह से हमने एक्सप्लेन भी किया है। और चूंकि रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर है, तब क्या होगा, तब इन स्थिति में कन्फाइंड स्टेट में है, कन्फाइंड मतलब बंद बर्तन में है, ज्यादा खुलापन में नहीं है, खुले में नहीं है, तो वेपराइजेशन होगा। और साम्य अवस्था में जो इस समय जो दाब बनेगा एट इक्विलिब्रियम, दैट इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं ये वेपर प्रेशर। बहुत जरूरी है इसको, व्हाट इज वेपर प्रेशर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड वेपराइजेशन एंड इवापोरेशन। बड़ा मामूली सी बात है, हम कहते हैं कि वेपराइजेशन हो गया, उड़ गया और इवापोरेट हो गया, दोनों एक ही मतलब लगते हैं कि एक से, लेकिन फर्क है इसमें, क्या फर्क है अभी हम थोड़ी देर में फिर बात करेंगे आपसे। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तापक्रम पर निर्भर करता है। अगर तापक्रम कम है तो वाष्पीकरण की गति धीमी होगी, तापक्रम ज्यादा है तो वाष्पीकरण की गति अधिक होगी। लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है कि ये तापक्रम द्रव के क्वथनांक से, क्वथनांक मतलब वो तापक्रम जिसमें वो उबलता है, क्वथनांक से कम होगा। अब हम देखें इवापोरेशन क्या होता है, दूसरा शब्द है इवापोरेशन और वेपराइजेशन, दोनों लगभग एक से लगते हैं और हम लोगों से गलती भी हो जाती है, जहां वेपराइजेशन कहना है वहां इवापोरेशन बोल देते हैं, या जहां इवापोरेशन है वहां वेपराइजेशन बोल देते हैं। इवापोरेशन का एक प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया दर्शाता है जिसमें कोई लिक्विड गैस में बदलता है, लेकिन ये प्रक्रिया कब, जब
अनकन्फाइंड स्पेस में, खुले स्थान में रहे, बंद न रहे, क्लोज न रहे, अनकन्फाइंड स्पेस, तब इवापोरेशन हम यूज करेंगे। लेकिन अगर कहीं बंद स्पेस में है, सीमित स्थान में है, तो हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? वेपराइजेशन। और दोनों ही बॉइलिंग पॉइंट से कम तापक्रम पर होता है, दोनों सरफेस फिनोमिनन है, सतह पर होने वाली प्रतिक्रिया है। और हर सब्सटेंस का, हर पदार्थ का, हर लिक्विड का, द्रव का जो है, ये तापक्रम उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषता होती है, गुण होता है कि इस तापक्रम पर वेपराइजेशन। और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जब भी हम प्रेशर बताएं, वेपर प्रेशर, तो टेम्परेचर तो बताना ही पड़ेगा। और ये क्यों बढ़ जाती है? रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाता है। जैसे ही तापक्रम बढ़ाया तो वाष्पीकरण की या इवापोरेशन की गति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कारण ये है कि हम जब तापक्रम बढ़ाते हैं, अधिक तापक्रम रहता है, तो थर्मल एनर्जी उसको मिलती है, गर्मी का ताप मिलता है, गर्मी उसको देते हैं। हायर टेम्परेचर मीन्स मोर हीट, मोर हीट मीन्स मोर थर्मल एनर्जी प्रोवाइडेड टू ईच मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के प्रत्येक कण को या प्रत्येक अणुओं को अधिक एनर्जी प्राप्त होती है। और ये एनर्जी प्राप्त होने के कारण, मिल जाने के कारण, हर एक मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से चलने लगते हैं, ज्यादा तेजी से एक्टिव हो जाते हैं द्रव में, और दे बिकम काइनेटिकली एक्टिव, गतिज ऊर्जा उनको प्राप्त हो जाती है, गति उनकी बढ़ जाती है। और चूंकि गति बढ़ गई, इसलिए कोलिजन भी ज्यादा होगा, सरफेस पर भी जल्दी जल्दी आएंगे, इवापोरेशन भी जल्दी होगा। और एक चीज बहुत जरूरी है कि इक्विलिब्रियम स्टेट किस केस में होगा, साम्यावस्था कब बनेगी। साम्यावस्था वेपराइजेशन के केस में पॉसिबल है, ये देखिए, लेकिन इवापोरेशन में नहीं। इवापोरेशन मींस गैस में परिवर्तित होना, लेकिन साम्यावस्था नहीं बनेगी इसमें। क्यों? क्योंकि गैस के लिए काफी जगह है, जो भी वाष्प बनेगा वो सीधे वातावरण में चला जाएगा। लेकिन वो कब तक जाएगा? जब तक गैस का वाष्प दाब, जो वाष्प बन रही है उसका दाब एटमॉस्फेरिक या वातावरण के वाष्प दाब के बराबर ना हो जाए। और जैसे ही बराबर होगा तो वो बंद हो जाएगा, वाष्पीकरण बंद हो जाएगा। इवापोरेशन कंटिन्यूज टिल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग स्पेस इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द एक्सर्टेड बाय द इवापोरेटेड वेपर और गैस। तो ध्यान रहे, या हमने एक तरह का टेबल भी बनाया है, फेज ट्रांजिशन दोनों का एक सा है, दोनों सरफेस फिनोमिनन है, दोनों बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होते हैं, नीचे तापक्रम पर होते हैं, रेट ऑफ वेपराइजेशन तापक्रम से बढ़ता है। ये बहुत जरूरी, एक कन्फाइंड स्पेस में एक, तो वेपराइजेशन और इवापोरेशन में अंतर इस प्रकार का है, और हम लोगों ने समझना इसको जरूरी है। नेक्स्ट, इसके बाद अब ये एक छोटा सा चित्र है जिसमें वेपराइजेशन का हमने दर्शाया है कि वेपराइजेशन कैसे होता है। अब मैंने आपको बता भी दिया कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर जाते हैं और क्लोज कंटेनर में होता है, अकर्स। इनमें प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में भागने की टेंडेंसी होती है, भागने की टेंडेंसी, बाहर निकलने की टेंडेंसी, द्रव को छोड़ के अलग होने की टेंडेंसी है। एवरी मॉलिक्यूल हैज गॉट ए एस्केपिंग टेंडेंसी। अब आप देखिए, ये वेपराइजेशन तो जरूर हमने दर्शाया है,
लेकिन वेपर प्रेशर क्या बनेगा इसके लिए हमें यहाँ पर सील्ड कवर लगाना पड़ेगा, तब हम वेपर प्रेशर बता सकते हैं कि हाँ साहब ये, अब चूंकि ये बल्क है लिक्विड हमने ढेर सारा लिया हुआ है, किस क्वांटिटी ली है, और ये तापक्रम से बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक से कम में कम तापक्रम पर ये गैस बन रही है, वाष्प बन रहा है, तो ये वेपराइजेशन का प्रोसेस दर्शाता है। बॉइलिंग पॉइंट से कम है, इक्विलिब्रिया तो बनेगा, वाष्प जब रहेगा तो इक्विलिब्रिया बनेगा, बंद बर्तन में हो रहा है, क्लोज यानी सीमित स्थान में हो रहा है, कन्फाइंड स्पेस में, देयरफॉर इट इज वेपराइजेशन। और दूसरा एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है जो कि लिक्विड्स में देखी जाती है, दैट इज बॉइलिंग ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड का उबलना। बड़ी कॉमन सी बात है, हम लोग देखते हैं पानी रोज ही, हम देखते हैं कि उबलता हुआ पानी, चाय बनाना है या इवन कोई भी लिक्विड है, तो उसको जब हम ज्यादा गर्म करते चले जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आती है कि उसमें खलबलाहट पैदा हो जाती है, एक डिस्टर्बेंस आ जाता है द्रव में, तमाम माली ये गैस ऐसी उसमें बुलबुले दिखाई पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंस द लिक्विड, और साथ ही साथ गैस निकलना शुरू हो जाती है। गैस का अब ये खुले में होता है, इट इज ए बल्क प्रोसेस, बल्क प्रोसेस है, बल्क मतलब ज्यादा मात्रा में जब हम लेंगे वाटर को और गर्मी प्रोवाइड करेंगे, ताप देंगे, तो एक खास तापक्रम पर वो उबलना शुरू करेगा। इसके लिए क्या जरूरी है, गर्म करना, हीट मस्ट बी प्रोवाइडेड, और कितना गर्म करना, एक पर्टिकुलर हीट क्वांटिटी चाहिए उसको, प्रत्येक अणुओं को एक खास ताप की मात्रा चाहिए, और इसीलिए एक खास तापक्रम पर हर द्रव के मॉलिक्यूल्स, द्रव के जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में खलबलाहट पैदा हो जाती है, बाहर निकलने के लिए एक कॉम्पिटिशन बन जाता है, हर एक मॉलिक्यूल जल्दी से सरफेस पर आकर के बाहर जाना चाहता है। कारण क्या है, कारण सीधा सा यही है कि ये जो ताप हम देते हैं उनको थर्मल एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है, और जब हम पानी को या लिक्विड को, किसी भी लिक्विड को गर्म कर देंगे तो वो एनर्जी जो कि हमने तो ताप रूप के रूप में दिया है, लेकिन वो थर्मल एनर्जी के रूप में उनको प्राप्त होती है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, और ये थर्मल एनर्जी उनको गतिज ऊर्जा भी प्रभावित करती है, उनको और अधिक क्रियाशील बना देती है, गतिज ऊर्जा। थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, और जब गति इनकी ज्यादा बढ़ जाएगी तो बड़ी जल्दी जल्दी तेजी से सरफेस पर हर एक मॉलिक्यूल आएगा और जल्दी से गैस में चेंज होगा, परिवर्तित होगा। और इस बीच में क्या होता है, इतना ज्यादा टर्बुलेंस होता है तापक्रम पर कि वो द्रव के अंदर ही गैस रूप में बुलबुले के रूप में निकलना शुरू हो जाती है। अब हमें बुलबुले दिखाई पड़ते हैं, यू मस्ट हैव सीन इट, यू शुड ऑब्जर्व इट, दैट व्हेन एनी लिक्विड इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट देयर अकर्स अ टर्बुलेंस इन द लिक्विड, लिक्विड में एक प्रकार की खलबलाहट होती है, और हर लिक्विड में बुलबुले भी धीरे धीरे बनना शुरू होते हैं और सरफेस पर बुलबुले बनने लगते हैं, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, उबल रहा। हम ये नहीं कहते वो ये गैस बन रहा, हम कहते हैं लिक्विड इज बॉइलिंग, उबल रहा, और ये एक खास प्रक्रिया है, खास तापक्रम पर होती है। ध्यान रहे ये तापक्रम वह है जो बॉइलिंग, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, और हर द्रव का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है, उसका भी कारण,
इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिक्विड, और ये बॉइलिंग पॉइंट उसकी आणविक संरचना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वायुमंडल का दाब पर निर्भर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद वायुमंडल का जो दाब है या जिस दाब पर द्रव है उसका दाब और वाष्प दाब बराबर होता है, तब ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अधिक होगा तो और जल्दी होगा। सो ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा है एस्केपिंग टेंडेंसी। ये बहुत जरूरी है कि द्रव में मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, द्रव से बाहर भागने की प्रवृत्ति होती है, और ये एस्केपिंग टेंडेंसी एकदम से बढ़ जाती है ऊर्जा अधिक ऊर्जा देने से, गर्म करने से। When a liquid is heated, the molecules of the liquid become kinetically energetic. This results into their speedy collisions with each other, causing turbulence. जल्दी 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 ये molecules एक दूसरे से टकराते हैं और वो evaporation शुरू हो जाता है उनका। It is evaporation, mind it. It is bulk process है, लेकिन boiling point पर हो रहा है। So that is about boiling point, और इसका हम लोग solutions में, solution के अध्ययन में जो हमारा मूल topic है उसमें हमें बहुत ज्यादा उपयोग करना है। freezing point, boiling point, vapor pressure, इसलिए इसका revision बहुत जरूरी है। अब देखिए vaporization and boiling point, then इतना समझने के बाद हमको आगे पढ़ने के लिए बहुत सरल हो जाएगा। और आगे हमको क्या पढ़ना है, सॉल्यूशंस के बारे में ज्यादा पढ़ना, और ये हम दूसरे लेक्चर में जो कि बहुत जल्दी हम आपको देंगे, आपके सामने आएंगे रखेंगे, उसमें बात करेंगे। और हमने अभी क्या पढ़ना है, एक आइडिया तो हमने पहले दे ही दिया है, दैट विल बी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।